इस सिस्टम का टाइम पीरियड कब जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो और रिलीज कर दी जाती है तो यहाँ पे कार्ट यह स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है के गिवन है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्प्रिंग का एक एंड देखो कार्ट से कनेक्ट है दूसरा एंड एक ब्लॉक से कनेक्ट है जो कार्ट के अंदर ही रखा गया है अब मैंने क्या किया ये जो ब्लॉक था उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया लेट से इसमें स्प्रिंग इस को कंप्रेस करने के लिए इस ब्लॉक को मैंने एक्स डिस्टेंस दबा दिया तो जैसे ही एक्स डिस्टेंस दबा दिया तो स्प्रिंग क्या हुई एक्स डिस्टेंस कंप्रेस हुई उसके बाद ब्लॉक को मैं रिलीज करूंगा तो ब्लॉक क्या करेगा मोशन करेगा और इस तरह से पूरा सिस्टम जो है वो हमारा ऑसोलेट करना शुरू कर देगा उसके ऑसोलेशन का हमें टाइम पीरियड पूछा गया था क्लियर हो गया तो इसके कई सारे मैथड हो सकते हैं एक बार एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व करा के आप इसको सॉल्व कर सकते थे वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे हम पढ़ते हैं रेडियो मास या इफेक्टिव मास का लगा के इस पूरे क्वेश्चन को मैं दो लाइन में सॉल्व कर दूंगा क्या होता है अगर मैं उसको देखू तो इस पूरे सिस्टम को ऐसे इक्विपलेंट आप इसके बना सकते थे देखो ये हमारे पास ये हॉरिजेंटल था यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो दो ब्लॉक से कनेक्ट है इसको आप ऐसे सोच सकते थे यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग है दो ब्लॉक से कनेक्ट है स्प्रिंग का हाँ एक एंड एम मास से कनेक्ट है उसका दूसरा एंड देखो कार्ड से कनेक्ट है जिसका मास कितना है फोर एम तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे एक लाइन में देखो एक ब्लॉक जिसका मास कितना है हमारे पास देखो फोर एम उससे एक स्प्रिंग बधी हुई है ठीक स्प्रिंग कांस्टेंट कितना की बने हमारे पास देखो के है उसका दूसरा एंड एक ब्लॉक से कनेक्ट है जिसका मास कितना है एम है अब अगर मैं एम ब्लॉक को ऑसिलेट यहाँ पे अगर इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर दूंगा कंप्रेस करके रिलीज करूंगा तो दोनों ब्लॉक क्या करेंगे स्प्रिंग से बधे रहेंगे और ऑसिलेशन करेंगे अगर ऑसिलेशन करेंगे तो इनके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा टी इक्वल्स टू उसका फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास टू पाई अंडर रूड यहाँ पे आता है हमारे पास देखो म्यू डिवाइडेड बाई के जब एक ब्लॉक होता है अगर मान लो इस तरह से हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है बधी हुई है उससे एक ब्लॉक इस तरह से कनेक्ट है जिसका मास कितना है टीवल टू टू पाई अंडर रूड एम बाई के ठीक जब एक एंड पे ब्लॉक होता है अब यहाँ पे देखो स्प्रिंग के दोनों एंड पे ब्लॉक लगे हैं एक का मास फोर एम है एक का मास एम है। तो यहाँ पे म्यू हम यूज करते हैं म्यू हमारा क्या होता है इफेक्टिव मास हमारा क्या होता है इफेक्टिव मास और उसकी वैल्यू कितनी आती है उसको रिड्यूस्ड मास भी बोला जाता है उसकी वैल्यू होती है पहले बॉडी का M1 M2 by, क्या होता? हमारे देखो, M1 M2. तो, तो मू की टाइम पीरियड भी मिल जाएगा कितना एम डिवाइडेड बाई फोर एम प्लस एम कितना हो जाएगा हमारे पास देखो फाइव एम तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो इफेक्टिव मास आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई फोर एम बाई फाइव वैल्यू पुट कर देना म्यू की जगह पे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है फोर एम बाई फाइव इसको अंडरलाइन कर देंगे ये आ गया हमारे पास वैल्यू उठा के पुट कर देना तो टाइम पीरियड ऑफ ऑफ दिस सिस्टम टू पाई अंडर रूड म्यू की जगह पे मैं रखूंगा फोर एम बाई फाइव इन टू यहाँ पे के एज इट इज रहेगा ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो ये अगर जिस ऑप्शन में मैच कर गया वही हमारा आंसर होगा तो अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे भी ये भी गलत है ये भी गलत है यहाँ पे ए भी गलत हो जाएगा और यहाँ पे टू पाई इसको ऐसे भी लिख सकते देखो अगर यहाँ पे मैं रूट के अंदर है फोर बाहर निकालूंगा बाहर आ जाएगा टू तो यहाँ पे देखो टी इक्वल्स टू आ जाएगा टू इंटू टू फोर पाई और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अंदर क्या बचेगा एम बाई फाइव के बस मैंने इस फोर को बाहर निकाल दिया तो रूट के बाहर फोर टू आएगा ठीक तो आ जाएगा हमारे पास देखना फाइव के ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ आइसोलेशन आ जाएगा और ये कहाँ पे मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में तो ये आगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फोर एम बाई फाइव के और बाहर हमारा फोर पाई रहेगा थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ पर